ओके 15 अ रिग एक्सेलरेट अ लोड ऑफ 2 LBF फ्रॉम 0 to 60 mH इन 5 सेकेंड कंप्यूटर लोड शोन ऑन हुक लोड इंडिकेटर. एक लोड है मेरा, उसको मैं उठा रहा हूं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 से, ये लोड है मेरा, इसको मैंने उठाया 0 से स्टार्ट किया वेलोसिटी से और इसकी इतना कुछ मैंने उठा लिया हाइट पर, तो उसकी वेलोसिटी होगी 60 फीट पर मिनट. मान लो ये लोड है, ओके, और यहाँ है t = 0 पर वेलोसिटी है 0. अब नीचे आ रहा है t टाइम पर वेलोसिटी आती है 60 फीट पर मिनट. तो कितना लोड, अब मान लो कितना लोड हुक इंडिकेटर पर शो होगा मेरे को, कितना होगा, क्या सोचते हो कि इस पैन को, इस कोई लोड को नीचे, हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये हो गया कि ये क्लियर नहीं है कि इस लोड को मैं ऊपर उठा रहा हूँ या नीचे ले जा रहा हूँ. अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा, फोर्स जो कुछ होगा, मान लो ये तो हमेशा एम जी नीचे लगेगा और मैं इसको एक्सेलेट कर रहा हूँ, इसको मैं एक तो ऐसे ले जा रहा हूँ फोर्स करके या इसको फ्री फॉल कर रहा हूँ, तो जी से लगे, जी ही केवल एक्सेलेशन रहेगा. अगर मैं इसमें कुछ फोर्स भी लगा रहा हूँ एम ए, तो टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, एम जी प्लस ए, है ना. और इसको अगर मैं ऊपर मूव कर दे रहा हूँ तो इस पर फिर टोटल रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा, एम जी माइनस ए. तो इसमें क्लियर नहीं है, बुक के हिसाब से इसका जो उन्होंने मान रखा है वो इसको नीचे ट्रेवल कर रहा है, तो 0 से 60 फीट पर मिनट उसका हो गया. अपन को इसका फंक्शन नहीं पता कि यहाँ किस फंक्शन से, किस टाइम के फंक्शन से या किस डिस्टेंस के फंक्शन से ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. केवल अपने को ये पता है कि ये 0 से कुछ देर बाद, 5 कितने बार, हाँ टाइम दे रखा है 5 सेकेंड बाद ये 60 फीट पर मिनट हो गया. तो अब और ये दे रहा, इसका लोड दे रखा है LBF. आपको ये भी देखना पड़ेगा ये LBF है, LBM और LBF में डिफरेंट होता है, ये फोर्स होता है, ये मास होता है. तो इतना इसका लोड, ये क्या है, LBM में अगर मैं G मल्टीप्लाई कर दूं तो इस LBF में ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि मेरा G इंक्लूडेड है और G भी कितना ही, एक्सीलेशन कितना ही, G ही है. मतलब LBF लिख रहा है 32.7 फीट पर सेकेंड स्क्वायर है और के जी एफ लिख रहा है तो 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. हाँ ठीक है. हाँ अब ये लोड, अब ये टोटल लोड कितना होगा इस पर, जो वेट, वेट जो वेटिंग मशीन है, इंडिकेटर है, वो वेट करेगा, वो कितना करेगा इस पर, एम जी प्लस ए, इतना ही तो करेगा. मैं ये नीचे मूव कर रहा है तो इसको जो टोटल जो वो होगा, जो फोर्स लगेगा उस पर वो कितना होगा, mg plus a. और a क्या होता है, a क्या होता है, dv/dt. ये टोटल फोर्स आएगा, टोटल लोड आएगा, फोर्स होता है LBF, न्यूटन LBF. एम मेरे को नहीं पता है ना, इसको एम मत सोचना, इसको एम नहीं है, ये एम इंटू जी है LBF. इसमें अगर डिवाइड, ये है LBF क्या होता है, एम इंटू 32.7
फीट पर सेकंड स्क्वायर, ये तो जी होता है। तो ये दे रखा है अपन को, ये इंटू एम इंटू जी, जी क्या है 32 पॉइंट, अगर ये एल बी एफ है तो जी क्या लूंगा 32.7, अगर ये की जी एफ होता तो जी क्या होता 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं इसमें से जी इतना ही तो लोड, टोटल लोड होगा, लोड पूछ रहा है वो, इसको बाहर ले लिया, एम जी वन प्लस ए वाई जी, ये एम जी मेरे को पता है कितना है, ये है वन प्लस ए वाई जी, ए क्या है डी वी वाई डी टी। अगर मेरे को वेलोसिटी का फंक्शन पता होता टाइम के साथ तो मैं इसका डिफरेंशिएट कर देता, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 5 सेकंड में इतने से इतना हो गया, तो मेरे को एवरेज लेना पड़ेगा। डी वी क्या है 60 माइनस 0, और डी टी क्या हो जाएगा 5 माइनस 0। टी इक्वल टू 0 पर वी 0 था, टी इक्वल टू 5 सेकंड पर वी 60 था, तो कितना आ जाएगा ए 60 डिवाइड बाई 5, हाँ 60, ये क्या है फीट पर मिनट है, और ये किस में 5 सेकंड में, तो मैं इसमें इसको लिख दूंगा फीट पर 60 सेकंड। ओके, और नीचे 5 सेकंड है ही है, सेकंड आ गया ना फीट पर सेकंड स्क्वायर, यही तो ए होता है। तो इसका ए क्या हो गया, ए क्या हो गया 60 डिवाइड बाई 60 इंटू 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, 1/5। वैल्यू रख दो यहाँ पर, वैल्यू ये रख दो 1 प्लस ए क्या है 1/5, और जी क्या है क्योंकि ये किस में एल बी एफ में, तो जी किस में रखूँगा 32.2 होता है क्या, ये आप रख दोगे आंसर निकाल लोगे, इतना लोड बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये, समझ में आ रहा है ना क्या किया। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट ये रह गया कि इसमें ये क्लियर नहीं हो पाया कि उस मास को मैं ऊपर उठा रहा हूँ या नीचे है, लेकिन जो आंसर जो आया है वो इसी हिसाब से आया है कि उन नीचे की तरफ मूव करता हुआ वो मान लिया है। अगर मैं इसको ऐसे बोलता, एक न्यूमेरिकल और कर लो आप, मैं ये बोलता कि ये मास है मेरा ना, और इसको लिख लो आप 2 kg का है, अब ध्यान रखना 2 kg दिया है, ये न्यूमेरिकल हो गया आपका, सॉल्व करना है आपको ना, 2 kg हो गया और इसकी वेलोसिटी, इसको क्या कर रहा हूँ मैं ऊपर उठा रहा हूँ इसको, ये मेरा सरफेस है, यहाँ ले गया, यहाँ इसकी वेलोसिटी थी 0 और यहाँ वेलोसिटी थी इसकी 10 मीटर। डाटा लिखना ना, क्या क्वेश्चन है, कोई 2 kg की कोई वॉल है, ओके, उसको मैं ऊपर पिक कर रहा हूँ है ना, तो उसका 10 मिनट बाद वेलोसिटी हो गई है 0 से बढ़कर 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, और आपको बताना है कि, और इस पर मेरा वो लगा हुआ है वेगिंग मशीन कुछ लगी हुई है, उसका